जो मुंबई चर्चा में है और उसके काफी जो कारण है, थोड़ी विस्तार से बातचीत करनी पड़ेगी। कैप्टेंसी की जो ट्रांजिशन हुई है, मुंबई ने अनाउंस किया हार्दिक पांड्या और उसको लेफ्ट राइट सेंटर हर तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनका ये फैसला रहता है आप किसको कप्तान बनाएंगे, उन पे किसी का दबाव नहीं क्योंकि आप फ्रेंचाइज है, तो अगर जो खबर आई है जिसकी कॉन्फर्मेशन नहीं, जो खबर है कि हार्दिक की अगर एक प्री कंडीशन थी कि अगर आप चाहते हैं मैं मुंबई वापस आऊं तो मैं कैप्टेंसी लूं, जिसकी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, रिपोर्ट जो आई है मुंबई इंडियंस एज अ फ्रेंचाइज पॉइंट ऑफ व्यू से उनका ये जो फैसला आपकी उस पर राय कि रोहित नहीं हार्दिक पांड्या को वापस लाके कप्तान बनाया, इज इट राइट रॉन्ग, आपकी क्या राय है? देखिए राइट रॉन्ग पर हमें अभी जाना नहीं है, पर जो उन्होंने निर्णय लिया है वो उनकी टीम के मतलब बेनिफिट के लिए लिया है। आप ये कह सकते हैं कि पिछले दो सालों में रोहित की जो मतलब कंट्रीब्यूशन थी बल्ले से भी वो थोड़ी सी कम हुई थी, उसके पहले बहुत उनकी कंट्रीब्यूशन हुआ करती थी, पर पिछले दो साल में पिछले मतलब दो साल पहले तो मेरे ख्याल से नंबर 9वें और 10वें स्थान पर थे। अब पिछले साल वो क्वालिफाई किए प्लेऑफ के लिए, पर उनके पास वो मतलब जो जोश उनमें दिखाई देता था वो पिछले दो सालों में हमने देखा नहीं। शायद लगातार क्रिकेट खेलने से वो थोड़े से थक गए होंगे, लगातार क्रिकेट में वहाँ पे कप्तानी करने से भी थोड़े से थक गए होंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो निर्णय लिया है ये एक युवा खिलाड़ी है, मतलब युवा इन द सेंस कप्तानसी के एक्सपीरियंस में, और जिन्होंने रिजल्ट भी दे दिए, गुजरात टाइटन्स को दो बार वो फाइनल लेके आए, उसमें से एक बार वो उन्होंने जीत भी हासिल की है हार्दिक पांड्या ने, तो उसी सोच के साथ उनको कप्तान बना दिया। क्योंकि कभी कभी आपको ये भी फ्रेश थिंकिंग चाहिए और वो फ्रेश थिंकिंग वो ले आ सकते हैं, और मुझे लगता है कि जो अभी निर्णय लिया है उससे मुंबई इंडियंस के लिए फायदा होगा, नुकसान तो होगा नहीं पर फायदा तो जरूर होगा। आप सबसे पहले रोहित शर्मा का जो कद है वो जिस तरह से सीएसके में महेंद्र सिंह धोनी का कद है, मुंबई इंडियंस में मेरे लिहाज से उस फ्रेंचाइज में रोहित शर्मा का कद है, बहुत बड़ा कद। ये टीम को बेसिकली लगभग बनाया है अपने खून पसीने से रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान, बिकॉज बहुत कंट्रीब्यूट किया है, बहुत टीम मीटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत जबरदस्त कैप्टन है, बोलर्स कैप्टन मैं इन्हें मानता हूँ जो सालों साल इस टीम को लेके गए। पिछले साल जो टीम थी कितने लोगों ने ये माना होगा कि वो टीम के साथ आप क्वालिफाई कर सकते हैं, वो टीम को क्वालिफाई करवाया बतौर कप्तान, और वो गेंदबाजी हल्की थी, जोफ्रा आर्चर भी आपके पास नहीं, उनका फॉर्म भी इतना अच्छा नहीं, बुमराह की आपको फैसिलिटीज नहीं मिली, उस लिहाज से बहुत अच्छा साल रहा था बतौर कप्तान, तो वहां पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था। अब जब हार्दिक पांड्या का ये डिसीजन लिया गया है, मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव उनके पास मौजूद थे, जसप्रीत बुमराह उनके साथ मौजूद थे, अब हार्दिक पांड्या के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि इन सब के साथ, रोहित शर्मा के साथ, सूर्य कुमार यादव के साथ, जसप्रीत बुमराह के साथ, जो अपने आप में एक लीडर है क्योंकि भारतीय टीम के T20 कप्तान अभी सूर्य कुमार यादव थे, जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की है, रोहित शर्मा वहां पे रहेंगे, अब इनके साथ मैनेज करके आपको टीम चलाना है बतौर हार्दिक पांड्या, सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा किस तरह से ये मैनेज करेंगे। अब ये मैनेजमेंट में ही सब कुछ छुपा हुआ है रिजल्ट के लिहाज से मुंबई इंडियंस के लिए और हार्दिक पांड्या के लिए, और मैं बता रहा हूँ आपको आसान बिल्कुल भी होगा नहीं हार्दिक पांड्या के लिए। We shouldn't be thinking sentimentally or emotionally about Rohit Sharma. I think it's a good move because Hardik Pandya is a proven leader, player who's had a great run. So he's your informed T20 captain and player. And Rohit Sharma has been around for a long time. So it makes a lot of cricketing sense to have somebody like Hardik Pandya. I just hope he doesn't feel the pressure of, you know, how all this has happened with transfer and Mumbai Indians backing him so much. Rohit Sharma will be the same batter if he continues to be a pure batter and not a captain like he is when he's captain. So I don't mind the leadership stage at all. It's a transition, and it's a difficult transition, I think, from Rohit's point of view and for Hardik's point of view, coming back to a franchise that he loves and sort of helped develop a winning strategy at, a franchise he learnt a lot from, and probably a captain he learnt an enormous amount from. But this is also a very smart franchise. They're not champions, you know, over five seasons for nothing. They're business people through and through. There will have been, I cannot believe for one second that there wasn't a conversation with Rohit Sharma about bringing Hardik back. I can't believe for one second that that didn't happen. He had to be part of that conversation because they are not ruthless. They are business people and he is a franchise guy. So there had to be a conversation around it and there had to be chat, and I think it would have been a mutual agreement. We are bringing him back. We want him to captain the side, but we want you to be there to mentor him through the first year at least and see what happens. Yeah.
Until the last couple of years, I thought Mumbai Indians won the IPL at the auction table because they were brilliant at getting the right guys. CSK the same, in a different way, but would get a very, very good outfit to, you know, have a shot at the title. The last 2 years, their performance at the auction, the selection calls that they're making. 21, 22 and 23. Yeah, I mean, top Archer investment, paying a huge sum for Ishan Kishan, letting go of people like Quinton de Kock, Rahul Chahar, who was brilliant for them, Kunal Pandya and all that. Hardik Pandya, you know, because when they let go of him, he was only batting for Mumbai Indians, wasn't bowling and didn't get too many runs. So they didn't have faith and they were happy to let him go. So I'm not sure whether the team, the franchise are back to making those great calls that they were making 2 years before in the history of the IPL.